वालेकुम वहमतुल्ल कैसे हैं आप सब लोग ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और इस मुबारक महीने की रहमतें हम लोग समेट रहे हैं तो आज ये है कि जो नाथ शरीफ में पढ़ती हूँ तो मेरे पास माइक महाफिल में तो माइक होता है लेकिन घर में कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है तो मुझे आदत है माइक में पढ़ने की ना शुरू से ही तो माइक के बगैर कुछ मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है लेकिन बस सुन लीजिएगा आप लोग और मुझे उम्मीद है आप मायूस नहीं करेंगे मुझे पसंद करेंगे हौसला अफजाई करेंगे मेरी तो कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से अच्छा पढ़ने की अच्छा अब जो मैं नात रसूल मकबूल वसल्लम पढ़ूंगी ये मैंने नहीं लिखी है किसी और की लिखी हुई नात है और मुझे बड़ी पसंद है पढ़ना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है हर वक्त मैं घर में, में गुनगुनाती रहती हूँ अपने कमरे में जहां भी हाय होती हूँ नात लिखती रहूं करती रहूं सना तेरी इसी हुनर में कटे अब ये जिंदगी मेरी तो पेश करती हूँ हुजूर की आमद आमद है तो हुजूर की शान बयान करनी है हबी बु शान वाल आ जे तूं आयत बहार हबी बु ईशान वार जे तूं आया ते बहार

Jum diya nai yoni maya Biba uchi shanwalya Rehmat di tu sa हेमत दी तुसाख साख जे खोली दाई हली माए भर ले जोली लुट गई खजाने रब दे बाकी रह गई सारियां दाइया हबी बची शान वालिया ਜ਼ੁਲਫ ਤੇਰੀ ਦੇ ਕੁੰਡਲ ਸੋਹਣੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜ਼ੁਲਫ ਤੇਰੀ ਦੇ ਕੁੰਡਲ ਸੋਹਣੇ ਲੈ ਲੈ ਦੇਨੇ ਦਿਲ ਮਨ ਮੋਹਣੇ ਤੇ ਚੰਨ ਪਿਆ ਤੱਕ ਦਰਵੇ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਦੀਆਂ ਵੇ ਸਿਫਾਇਆ ਹੰਬੀ ਬੁੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਿਆ ਨਾ ਸਿਰ ਪੜ ਪੜ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਤਾ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਪਰ करनी हो रमियां हबी बहुची शान शानवालिया हबी बहुची शान, वाल शान वाल जे तू आया, आया ते बहार ਬੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਿਆ ਸੱਲਾਲਾ ਵਾਲਿ ਸੱਲਾਲਾ